माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। मैं सुमन हूँ। आइए बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। आई एम सॉरी टू से दिस गोपाल जी, लेकिन आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं। आप एक अच्छी पति भी नहीं हैं। एक्सक्यूज मी, आप कहना क्या चाहती? क्या आप दूसरों की इज्जत करते हैं? क्या आप दूसरों के दर्द को समझते हैं? क्या आपने कभी अपनी पत्नी की भावनाओं को समझा है? मुझे आपके घर के मामले में दखल नहीं देना चाहिए। आपने राधा को अपने घर से किसी भी कारण निकाला हो, मगर उसका इल्जाम मेरे सूरज पर क्यों लगा दिया? जब आप अपनी पत्नी, अपनी राधा को नहीं समझ सके, मेरी सूरज को क्या समझोगे? अगर आपको सूरज का राधा से बात करना पसंद नहीं था तो आप दोनों से पहले ही कह देते। जानते हैं आप, अगर सूरज मुझे दिन में 10 बार फोन करता है तो उसमें 100 बार राधा का जिक्र होता है, लेकिन मैंने उसे कभी गलत नहीं माना, क्योंकि मैं उसके दिल की हर धड़कन को अच्छी तरह समझती हूँ। प्यार करती हूँ सूरज से। उसकी आवाज, उसके गीत, उसकी खुशी मेरे जीने के लिए काफी है। मगर आप राधा के पति होकर भी उसे समझ नहीं सके। मैं आंखों से अंधी हूँ, काला सफेद बता नहीं सकती, शक्ल भी देख नहीं सकती, लेकिन इंसान को पहचान जरूर सकती हूँ। और मैंने अपने सूरज को पहचाना है, दिल से, आत्मा से। और आप सब कुछ देख सकते हैं, और सब कुछ देखकर भी इतने दिन अपनी राधा के साथ रहने के बावजूद आप अपनी पत्नी के असली रूप को पहचान न सके? तरस आता है आप पर। गोपाल जी, शादी के बाद एक औरत के लिए अपना पति ही सब कुछ होता है, भगवान होता है। राधा निर्दोष है, पवित्र है। हर इंसान की जिंदगी में ऐसा होता है, रिश्तों में तनाव आ जाते हैं, पर हमें अपनी कमजोरियों पर काबू पाना चाहिए। अपने पति होने का दम और पुरुष होने का गुरूर छोड़कर अपने आप से पूछिए, सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी।